नानक माता जो गुरुद्वारा साहिब है, तो आज इसके अंदर जाएंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे कि उससे भी ज्यादा ऊपर ये हवा में था पे। हाँ, इसकी मतलब जो रूट्स हैं वो हवा में है। तो यहाँ पे कुएं बने हुए हैं, तो उसका हैंडपंप यहाँ लगाया है। अगर किसी से चप्पल साहब के थले गुरु नानक जी आए ने। तो गाइस अभी हम घूम रहे हैं नानक मत्ता में, और ये फिलहाल है एंटॉर्क अपने पास। यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिलहाल मेन चौक की ओर। और बताइए कल का व्लॉग कैसा रहा? अगर मस्त रहा ना तो बस वही वाला प्यार जो है आज यहाँ पे भी देना है। बाकी सब बढ़िया है यार, और आपके लिए मस्त मस्त व्लॉग आगे और आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लोरिंग देसी। सो हेलो गाइस, कितना फिर बढ़िया सारे, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो कल तो हम गए थे नानक सागर डैम की ओर, तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे नानक माता जो गुरुद्वारा साहिब है। तो आज इसके अंदर जाएंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और कहाँ पे आप जो है यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर सकते हो, या अगर रुकने आते हो तो कहाँ रुक सकते हो। पूरा अच्छे से आपको ए टू जेड यहाँ पे दिखाएंगे। बाकी गुरुद्वारा कैसा है वो भी पूरा अच्छे से दिखाऊँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है यहाँ पे गुरुद्वारे की एंट्रेंस। तो इस साइड पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंटर में खड़ा हूँ मैं अभी, तो उस साइड पे है नानक माता की मार्केट, और इस साइड से जो एंट्री होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये पार्किंग? अच्छा रूम्स। तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे दो जगह हैं, एक यहाँ पे आप जो है रूम वगैरह ले सकते हो, और एक उस साइड बैक साइड पे है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी हैं। तो ये है फिलहाल मेन गुरुद्वारे की एंट्री। अच्छा, तो यहाँ पे है जोड़ा घर और ऑफिस भी है कोई, ये कमेटी का है ना। ये अभी हम फिलहाल इसके पास आए हैं, तो ये हमने इसे पूछा था तो ये कह रहे थे कि 500 या 600 साल से ये ना जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है। इसको रोक दिया था हवा। अच्छा, तो ये हवा में ही रोक दिया था। तो अगर किसी को पंजाबी आती है तो हाँ ये पढ़ सकता है पूरा पॉज करके। तो ये पूरा यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, आप पॉज करके जो है पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी गुरुद्वारा यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये जो यहाँ पे ये बनी हुई है ना धरती, ये भी मतलब कि ग्राउंड लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो जो सरोवर है ना आगे जितना वो डाउन है उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है, और ये पेड़ तो उससे भी ज़्यादा ऊपर। हाँ इसकी मतलब जो रूट है। अच्छा अच्छा, और ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है ये। तो बाकी इस साइड पे सरोवर है, तो वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। बाकी गुरुद्वारे के अंदर भी देखेंगे अगर वीडियो उन्होंने बनाने दी तो, वैसे तो मना किया हुआ है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे कुएं बने हुए हैं, तो उसका हैंडपम्प यहाँ लगाया है, अगर किसी को ये जल वगैरह पीना वगैरह हो तो पी लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम आ गए हैं सरोवर के पास, तो ये आप देख सकते हो। तो सरोवर में मछलियाँ वगैरह भी हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल ये एक यहाँ पे गेम बनाई हुई है, तो ये आप देख सकते हो, मतलब मेज काइंड ऑफ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो लो जी पहुँच गए फिर। पूरी होती है पक्की जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए जी चप्पल साहब आ जी, इस स्थान पे इस चप्पल साहब के थले गुरु नानक जी आए ने, ते सिद्धा नाल उन्हां दी गोष्ट हुई है, ते सिद्धा ने इस चप्पल साहब नूं अज तो 500 साल पहला उन्होंने सिद्धा ने उड़ा दिता सी। गुरु नानक जी ने 7-8 फुट उच्चा उड़ाता है। गुरु नानक जी ने इस पिप्पल नूं अपना पंजा ला के हाथ ला के इन्हूं रोकिया। हाँ जी इन्ना ही सी। ते हाँ जी एक खूह है जी, इस खूह दे उत्ते गुरु नानक जी इत्थे भी जल छकदे हुंदे सी। हाँ जी सिद्ध भी छकदे सी, अंदर भोरा साहिब बनिया होया है। हाँ जी ये जी गुरु नानक जी का स्थान है, गुरु नानक मत्ता साहिब।
बाबा जी ने पूरा अच्छे से यहाँ पे जो इसका जो पीपल के बूटे का यहाँ पे महत्व है उसका पूरा बता दिया। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा और क्यों ये खास है जगह, तो उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। आपको भी एक बार ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। तो बाकी अभी फ़िलहाल हम जो है सरोवर की यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ी सी लगी हुई है, तो ये इस साइड पे ही है, बैक साइड पे, बाकी फ्रंट साइड पे तो ठीक है। तो बाकी फ़िलहाल गुरुद्वारे के अंदर है, तो मतलब इस यहाँ पे क्या है ना कि आप अपनी फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो यहाँ पे, बाकी गुरुद्वारे की आप पूरी बनाओ वो कोई नहीं रोकेगा, बट खुद की फ़ोटो खड़े होकर लेना उसमें रोकते हैं यहाँ पे। तो वैसे भी अगर आए हो तो फिर खुद की फ़ोटो क्यों ही लेनी है यहाँ पे यार, देखने आए हो कोई चीज़ तो उसका जो है अच्छे से एक्सपीरियंस वगैरह लो। तो फिलहाल गुरुद्वारे से होके तो आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको जो है इस गुरुद्वारे के बारे में पता चल गया होगा। ज़्यादा जो है अंदर तो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाने नहीं दी, बट जितनी भी बनाई है उतने में आपको पता चल गया होगा। बाकी अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वापस घर वाली साइड पर जहाँ पर रमन भाई के साथ रुके हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहते हैं बाकी आगे के। अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है दिन में। सो गाइज, आज के दिन में कुछ ज़्यादा खास तो हुआ नहीं, गुरुद्वारा वगैरह ही घुमाया थोड़ा आपको। तो आई होप कि आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाकी अभी फ़िलहाल हम जो जा रहे हैं कहीं पे घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अगर कहीं विजिबिलिटी अच्छी हुई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी लेट्स सी, मिलते हैं आगे फिर आपसे। हैं अभी हम वैसे नानक मत्ते में ही, आगे के क्या प्लान्स हैं उसका अभी तक कोई भी डिसाइडेड नहीं है, मतलब कोई प्लान ट्रिप होता है ना वैसा कुछ नहीं है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बस वैसे वैसे ही पता चलता जाएगा। तो सही है, बाकी फ़िलहाल यहाँ पे मारुति निकल चुकी है, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी में जाने वाले हैं। अभी रात के जो है 10 बज रहे हैं और यहाँ पे सभी का जो है मिठाई खाने का मन कर गया, तो इसलिए हम जो है नानक माता से 19-20 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्या नाम था जगह का, खटीमा की ओर आए हैं। और ये पीछे यहाँ पे खिंडा स्वीट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जहाँ तक पता चला है, तो इससे अभी मिठाई वगैरह ली है। बाकी सही है, मतलब रात के गेड़े यहाँ पे चलते रहते हैं, कुछ भी हो काफ़ी सही है। मतलब रमन भाई के रिलेटिव ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं, सही है। बाकी मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक थी, आगे देखते हैं अगर कुछ होता है, नहीं होता है तो नहीं तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। बाकी कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ रहने वाली है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।